दोस्तों ये ऑफिशियली है वन प्लस 11 लॉन्च होने वाला है स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 के साथ में। इंट्रोड्यूसिंग द स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म। ये पहला फोन होगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। और इस प्रोसेसर को हल्के में मत लेना। मगर क्यों? क्योंकि इस प्रोसेसर में 35% सीपीयू फास्टर देखने को मिलता है और 25% फास्टर जीपीयू में भी देखने को मिलता है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के। मतलब कि अगर आप सिंपल वे में अगर मैं समझाता हूँ तो इसमें आपको बेटर कलर करेक्शन देखने को मिलेगा, बेटर शार्पनेस देखने को मिलेगी, शेडोज परफेक्ट देखने को मिलेंगी, वाटर गेमिंग में जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो भी आपको रियलिस्टिक देखने को मिलने वाली है, यानी कि आप गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही जो कि नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ आपको गेमिंग में नहीं, आपको हर जगह देखने को मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप एडिटिंग करोगे या फिर आप कुछ भी छोटा सा वर्कलोड भी आप अगर अपने फ़ोन पे डालोगे तो फास्टेस्ट स्पीड में वो वर्कलोड हैंडल करने वाला है आपका फ़ोन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फ़ोन के स्पेक्स भी आपको नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं, वो भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसी नेक्स्ट लेवल टेक कंटेंट देखने को मिलते रहता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। फ़ोन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऐसा आपको डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है जो कि बढ़िया डिज़ाइन है। मैंने पहले भी आपको डिज़ाइन के बारे में बताया था, तो ऐसा ही आपको डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। और इसमें आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 2K LTPO डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले रहने वाली है। इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, HDR 10 प्लस देखने को मिलेगा, 1 मिलियन कलर देखने को मिल जाएंगे और 10W डिस्प्ले रहने वाला है। और भी जितने नेक्स्ट लेवल के फीचर्स होते हैं डिस्प्ले में वो आपको सारी इसमें देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप इस फोन से कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आपको बहुत ही कमाल की क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। कैमरास की अगर हम बात कर लेते हैं तो बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा IMX 890 के साथ में, जो कि आपको कमाल की फोटोज प्रोवाइड करके देगा। और 48 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलने वाला है और 32 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो देखने को मिलने वाला है। अब आप सोच ही सकते हैं टेलीफोटो कितना कमाल का देखने को मिल रहा है आपको। और अभी तक के सबसे हाईएस्ट टेलीफोटो लेंस जो है वो 10 मेगापिक्सल का है, जो कि S22 अल्ट्रा में हमें देखने को मिला था और शायद ही उसके बाद में किसी फ़ोन में देखने को मिला था, मुझे तो याद नहीं। अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। और फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है और असल ब्लेड की ट्यूनिंग रहने वाली है, यानी कि आपको फोटोज़ बहुत ही कमाल के देखने को मिलने वाले हैं। फोटोज़ वीडियोज़ जो भी आप कहो बहुत ही कमाल का आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, एंड्रॉयड 13 देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन OS 13 देखने को मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि अच्छी बात है। 5000mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाएगी और 100W का चार्जर देखने को मिलेगा वायर्ड, और वायरलेस 50W का चार्जिंग सपोर्ट रहने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको फ़ोन बहुत ही कमाल का देखने को मिलने वाला है। और लॉन्च के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, ये जो है वो एंड नवंबर या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में ये जो है वो चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद जनवरी के अंदर हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और मैं आपकी नोटिफिकेशन में बहुत ही जल्द आऊँगा। जब तक के लिए आप स्क्रीन पर दो वीडियो आ रहे हैं, वीडियो देखो और इन्जॉय।